जो आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन होगा, एक आता वीवो कंपनी के ओर से, एक आता रियलमी कंपनी ओर से, आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा? तो चलिए इस वीडियो में आप सबके लिए बात करते हैं। तो चलिए, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें और जाकर हमारे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कर दीजिए। तो पहला स्मार्टफोन है वीवो Z1 Pro और एक है Realme 5 Pro जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ, जहाँ इन दोनों का प्राइस रेंज सेम है 15,000 15,000। तो इस दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन है, चलिए रिव्यू के द्वारा आपको Z1 Pro से बात करते हैं। इसमें क्या क्या फीचर मिलता है आपको? इसमें आपको मिलता है 4 GB रैम एंड 64 GB का स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 15,000। और मैं अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें हमें मिलता है 6.5 इंच का होल नोच डिस्प्ले, जो कि फुल HD में काम करता है। होल नोच डिस्प्ले डिजाइन के मामले में काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने में लगता है, काफ़ी स्लिम है फ़ोन। अगर मैं वही इसकी प्रोसेसर की बात करूँ तो कोलकॉम स्नैपड्रैगन 712 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 2.3 GHz पर काम करता है। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में मिलता है। 5000 mAh का बैटरी मिलता है, जो कि फास्ट चार्जर के द्वारा मिलता है। इसमें वार्ड वार्ड कोई भी मैंसन नहीं किया है, सिर्फ लिखा हुआ है फास्ट चार्ज इस स्मार्टफोन में। और मैं अगर इसके कैमरा की बात करूँ, उसमें 3 कैमरा दिया हुआ है कि प्राइम कैमरा है 16 MP का, उसके बाद 8 MP, उसके बाद 2 MP। वहीं अगर मैं बात करूँ पेंट का, जो कि इसमें प्लस पॉइंट है, यानी कि 32 इंच का में 32 MP का कैमरा दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा कैमरा देखने में लगता है और इसमें फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छा आएगा। 32 MP का कैमरा प्लस पॉइंट है, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और मैं अगर इसकी बैटरी की बात करूँ तो 5000 mAh का बैटरी को, ये भी प्लस पॉइंट है स्मार्टफोन में। 3.5 mm का जैक है और याद रखिए इसमें 256 GB तक मेमोरी कार्ड लगा के आप बढ़ा। अगर बात करूँ Realme 5 Pro को, इसमें आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने मिलता है ड्रॉप नॉच के साथ, थोड़ा सा छोटा है Z1 Pro से, तो इसमें आपको भी होल नॉच नहीं मिलेगा, ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा इस डिस्प्ले में। और मैं अगर इसकी स्टोरेज की बात करूँ तो 15,000 में 6 GB का रैम एंड 64 GB का स्टोरेज, यानी कि 1 GB रैम वीवो Z1 Pro से ज़्यादा इस पर स्मार्टफोन मिलता है, प्लस पॉइंट इसका निकलता है। वहीं मैं बात करूँ प्रोसेसर तो सेम ही है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर कोलकॉम स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर दिया हुआ है, 2.3 GHz पर काम करता है ये भी प्रोसेसर, तो काफ़ी अच्छा बात है कि प्रोसेसर हमें सेम देखने को मिलता है। और इसमें फिर से एक प्लस पॉइंट आता है कि इसमें हमें कैमरा 4 देखने को मिलता है, यानी कि 48 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP, 4 कैमरा दिया हुआ है, प्लस पॉइंट ये निकलता है हमारे स्मार्टफोन Realme 5 Pro में। मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो 16 MP का फ्रंट कैमरा है, 32 MP का उसमें, इसमें 16 MP का। फ़ोन काफ़ी स्लिम है, इसमें टाइप सी भी देखने को मिलता है, वीवो Z1 Pro में टाइप सी में नहीं देखने को मिलता है, ये भी प्लस पॉइंट है कि टाइप सी मिलता है। बैटरी थोड़ा लो हुआ, 4035 mAh का बैटरी दिया हुआ है, जो कि इसमें फिर एक प्लस पॉइंट निकलता है कि इसमें बुक चार्ज का सपोर्ट मिलता है, जो कि फास्ट चार्ज आपका स्मार्टफोन होगा, काफ़ी अच्छी बात है। स्मार्टफोन में भी आप 256 GB स्टोरेज तक बढ़ा सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के। तो 3.5 mm का जैक मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों स्मार्टफोन में मिलता है, फेस अनलॉक दोनों स्मार्टफोन में मिलता है, तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है ओवरऑल। तो अगर मैं बात करूँ रिकमेंड कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा, मेरा रिकमेंड अगर आप सेल्फी का शौकीन हैं या टिकटॉक वीडियो बनाते हैं फ्रंट कैमरा से, तो 32 MP का कैमरा में जा सकते हैं। बट अगर आप गेमिंग खेलते हैं, सॉरी वन जी गेमिंग खेलते हैं, 1 GB का रैम आप ज़्यादा चाहते हैं, 15,000 में हमें 6 GB का रैम मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आप जा सकते हैं Realme 5 Pro में, 4 कैमरा मिल रहा है आपको 15,000 में, कितना अच्छी बात है, बुक चार्ज का सपोर्ट टाइप सी, तो आप जा सकते हैं Realme 5 Pro। मेरा रिकमेंड है Realme 5 Pro में आप जाइए। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब।